हाय दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैंने ये देखिए मैंगो स्टार में रबड़ी की कुल्फी बनाई है। फ्रेंड्स देखिए, आप इसको कैसे भी सर्व करिए, कैसे भी इसका मजा लीजिए, गर्मी में तो कुल्फी का मजा ही अलग आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, और अभी फ्रेंड्स कोरोना चल रहा है, इसलिए बाहर की चीजें ज्यादा नहीं हम लोगों को खानी चाहिए, इसलिए हम घर पर ही ट्राई करते रहते हैं। तो ये देखिए कुल्फी मैंने घर पर ही तैयार की है, तो आप खाइए, बच्चों को भी घर पर ही बना के खिलाइए। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए फ्रेंड्स। मैंने ये खोया लिया हुआ है, ये देखिए पहले मैंने ये मैंगो ले लिया है एक, आप कैसा भी मैंगो ले लीजिए। अभी मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया है। तो ये मैंने खोया ले लिया है, ये थोड़ा सा नमक है आधी छोटी चम्मच से भी बहुत कम, ये चीनी है आधी कटोरी, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं, एक कटोरी दूध, दूध बॉयल करके मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम खोया को, दूध और खोया को मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। वो खोया इसमें थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं और डालूंगी खोया, और मिक्स करेंगे चम्मच से। फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज गौर करिए, मैं ये पूरी कुल्फी बनाऊंगी लेकिन इसमें मिक्सर का कोई भी यूज नहीं होगा, पूरा हाथ से तैयार करूंगी और ये कुल्फी भी आपकी अच्छी से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए हो गया, मैंने इसमें खोया और डाल लिया था तो ये थिक सा हो गया है फ्रेंड्स, रबड़ी टाइप में। इसकी कुल्फी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आप चाहें तो पतला भी आप कर सकते थे, आप ना खोया डालते उतना भी खोया आपको सूट करता, पर मैंने और डाल लिया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी फ्रेंड्स, इसको मिक्स करेंगे चीनी को घुलने तक। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे, रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगे, तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट करके भी मुझे बताइए। फ्रेंड्स देखिए मेरी चीनी घुल गई है। अब हम इसमें थोड़ा ये नमक जो मैंने रखा था वो नमक डालेंगे। नमक फ्रेंड्स, नमक से टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और जब फ्रीजर में से कुल्फी को निकालेंगे तो कुल्फी ज्यादा देर तक जमी भी रहेगी, ज्यादा जल्दी नहीं पिघलेगी। ये देखिए मेरा ये मिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंगो रखा था वो मैंगो का जूस निकाल लूंगी। ये देखिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। हो गया मेरा मिक्स। अब चलिए हम मैंगो को मैंगो में से उसका गूदा निकाल देते हैं। फ्रेंड्स ये दशहरी मैंगो है, इसलिए इसमें से तो दबा दबा के गूदा ही निकल गया है, लेकिन अगर ये कोई और मैंगो होता तो दबा के नहीं निकाल पाते, इसको काटना ही पड़ता। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब हम मैंगो के ऊपर का हिस्सा कट करके उसमें ये कुल्फी की स्टफिंग भर देंगे। कुल्फी का जो मैंने ये खोया की रबड़ी बनाई है वो उसको मैं मैंगो में भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स भर गया है मेरा मैंगो कवर। अब मैं एक गिलास में इसको सीधा करके, ये देखिए हो गया मेरा तैयार। अब मैं इसमें ये मैंने कवर कर दिया और ऊपर से रबड़ बैंड से इसको टाइट करके रख दिया। अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये शाम को मैंने फ्रीजर में रखा था, ये सुबह देखिए कितना बढ़िया जम के तैयार हुआ है मेरा कुल्फी, मैंगो की कुल्फी, मैंगो स्टाइल में रबड़ी कुल्फी। देखिए आप इसको कैसे भी सर्व करिए, ये देखिए आम के स्टाइल में भी खा सकते हैं,
मैं इसका साइड से चाकू से थोड़ा थोड़ा कट लगा के इसको छील के आपको दिखा देती हूँ। छिलका, इसका छिलका छील के दिखाती हूँ। देखिए बढ़िया लग रही है ना। तो आप भी ऐसे ही घर पर ट्राई करिए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके भी बताइए। ये फ्रेंड्स मैंने देखिए कट करके भी रखी है कटोरी में, मैंगो स्टाइल में रबड़ी की कुल्फी।